कैसे हैं आप? बस ऑल वेल। लगता है फैमिली के साथ डिनर पर आए। हाँ, मेरी बहन और उनके दोस्त के साथ। और भाभी जी नहीं आई? भाभी जी? I mean your wife, आपकी बीवी, वो नहीं आई क्या साथ में? Is this some kind of a joke? मजाक कर रहे क्या? मजाक तो आप कर रहे हैं मिस्टर अभी। मैं तो केवल आपकी वाइफ के बारे में पूछ रहा था। पिछली बार आप ही के साथ तो मिला था उनसे, वो आज नहीं आई है इसलिए तो पूछ लिया। नहीं आई का क्या मतलब? अरे शादी होगी तब तो भाभी आएगी ना। सॉरी। अरे ये है कौन? Do you know him? कब से पूछे? अरे भाभी जी कहाँ पर है, भाभी जी कहाँ पर है? अरे मेरी शादी हुई है ना, तो बीवी लाऊंगा कहाँ से? भाई मैं बात करती हूँ, यू प्लीज रिलैक्स, आप इधर आइए। सॉरी सॉरी मुझे। मिस्टर सहगल, कैन यू जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट? भाई आप इधर आइए, यू जस्ट रिलैक्स, लेट मी टॉक टू, मैं बात करती हूँ ना। पूछो इससे कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आप प्लीज एक सेकंड। अभी रिलैक्स, ऐसे लोगों की बातें माइंड नहीं करते। लेकिन उसने ये क्यों कहा कि मेरी बीवी कहाँ है? ये भी पूछ सकता था ना कि शादी हुई कि नहीं। उसने ऐसा पूछा तो मतलब वो मिला होगा ना मेरी बीवी से। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर उसी से पूछता हूँ। भाई मैं बात करके आई ना। एक्चुअली क्या है ना कि मिस्टर सहगल काफी टाइम से इंडस्ट्री से बाहर है और इस चीज का उनको सदमा लग गया, जिसकी वजह से ही हैज बिकम मेंटली अनस्टेबल। नहीं आलिया, वो उस दिन वो शादी वाली फोटो और आज ये आदमी। आई नो भाई, और आप ज्यादा मत सोचिए, मैंने आपको बताया ना। अरे वो किसी को कुछ भी बोलते हैं, ही इज सेइंग एनीथिंग टू एनीवन नाउ। हाय गाइस, कैसे हैं? कैसी आलिया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका बच्चा कैसा है? बच्चा मेरा? आपका बच्चा ना, परसों ही तो आपने मुझे उससे मिलवाया था। बड़ा क्यूट और स्वीट सा है। सॉरी मैं उसका नाम भूल गया, बिल्कुल आप पर गया है। मिस्टर सहगल, मैं भी ठीक हूँ, मेरा बच्चा भी ठीक है, और तो मेरे बच्चे का बच्चा भी ठीक है। आपके बच्चे का बच्चा? जी मैं बहुत दिनों से मार्केट में नहीं था, इसलिए शायद ये न्यूज़ नहीं मिली। मिस्टर सहगल, वैसे आपके बच्चे शायद आपका कहीं इंतजार कर रहे होंगे। आप जाएंगे या मैं गार्ड्स को आपके पास भेजूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आई एम गोइंग। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर सहगल, मैं चला जाऊं। टेक केयर। हां तो भाई बहन तो बड़े छुपे रिश्तों निकले। आई मीन एक ने बिना बताए शादी कर ली और दूसरी ने बच्चा भी पैदा कर लिया। क्या करें, महराज होते ही एडवेंचरस है। ये क्या कह रही हो दीदी आप, ऐसे कैसे हो सकता है? ओए मैंने बोला ना कि मुझे लगा था, सच में ऐसा नहीं था, वो लड़की कोई और ही थी। पर एक बात है, उस एक मिनट में मेरी तो सांस अटक गई। तो प्रज्ञा नहीं थी ना, आपकी सांस वापस आ गई। तू इसे मजाक समझ रही है? मैं मजाक नहीं समझ रही, लेकिन आप मजाक समझ रहे हो। आप एक काम करना दीदी, कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। डॉक्टर के पास? क्यों? जी हाँ, डॉक्टर के पास अपनी आंखों का नंबर फिर से एक बार चेक कराना, वरना हर लड़की में प्रज्ञा दिखते दिखते एक दिन आपकी सास सच में चटक जानी है। मैं क्या तुझे हर रोज ये कहती हूँ कि मेरे प्रज्ञा को देखा है, या मुझे हर लड़की में प्रज्ञा नजर आती है? हाँ मैं खुद बोल रही हूँ ना कि मुझे गलत फहमी हुई है। तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाके मेरे चश्मे का नंबर चेंज करवाना क्यों चाहती है? अरे दीदी, मुझे आपके चश्मे का नंबर चेक करवाना ही है। कुछ भी हो, हर वक्त तो आपके दिमाग में प्रज्ञा ही घुसी रहती है। जब भी तो आप बार बार प्रज्ञा के लिए मुझे बोलते हैं, प्रज्ञा प्रज्ञा। तेरे साथ ना बात करनी गुनाह हो जाती है, गुनाह। तू ना बात की खाल निकाल लेती है। और वैसे मैंने तुझे चाय के लिए बोला था, एक घंटा पहले बोला था, अभी तक नहीं आई चाय। दीदी मैंने बोल दिया मिताली को। मिताली को बोला? हाँ। फिर तो बन चुकी चाय। बन चुकी? नहीं नहीं दीदी, मैंने उसे बोला है कि जल्दी से चाय बना के ले आना, वैसे काफी देर हो गई, मैं जाके देखती हूँ। चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय बिस्किट के साथ। ओए मिताली एक बात बता, तू चाय के बगीचे में गई थी पत्तियां तोड़ने चाय की, या भैंस का दूध दुआ रही थी जो चाय बनने में तुझे इतनी देर लग गई है? हाँ दासी, वो तो मैं थी जो आपको एक घंटे में चाय मिल गई। मेरी जगह कोई और होता ना तो आपको कल मॉर्निंग की टी मिलती। और कैसी सास हो आप दोनों, हाँ मतलब
एक मेरी सास है, उनको देखो जरा, टॉर्चर करने में माहिर। उन्हीं की वजह से तो मैं आने में इतना लेट हो गई। उनका बस चलता तो मैं आ ही नहीं पाती। जरा सीखो ना उनसे कि सास क्या होती है। जैसे वो मुझे टॉर्चर करती है, आप दोनों भी उनको टॉर्चर करो ना। लेकिन आपकी तो वो लाडली बहू है ना, एक मेरी किस्मत फूटी है जो मुझे ऐसी सास मिलनी थी। वो क्या है ना मिताली, हम दोनों वेल्ले बैठे हैं, मतलब कि हम छुट्टी पे हैं, इसलिए हमने उसे छोड़ दे रखी है। अब वो तुझे ताने मारे या बेलन मारे, हमें क्या, हम तो किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, किसी को कुछ नहीं कहोगे? इसका मतलब अगर मैं उन्हें पलट कर कुछ जवाब दूं, तो आप मुझे भी कुछ नहीं कहोगे? ना जी ना, हमने तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ, किसी के भी झगड़े में। कमाल है गौरजी, तो ये बात तो मुझे आप दोनों को पहले बतानी चाहिए थी ना। अब देखना क्या मजा आने वाला है। वो मेरी सास है और आप दोनों उनकी सास हो। आप दोनों छुट्टी पर हो तो अब मेरी सास यानी आपकी बहू को भी छुट्टी पर जाना होगा। अब मैं उनके साथ जो करने वाली हूँ ना, आप दोनों भी बस देखती जाओगी। चल मिताली चल। यस अली। अरे दीदी, उसे जाने दो। सास बहू अगर लड़ती रहती ना तो घर में बाहर आई सी लगती है। प्लीज अभी हम बस करो। ओह माय गॉड, हंस-हंस के पेट में दर्द हो गया। I can't tell you, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। कितने दिनों के बाद हंसी हूँ मैं। तो तुम रोज हंसा करो ना, किसने रोका है? रोज हंसने के लिए रोज मिलना पड़ेगा तुमसे। तुम्हारे पास इतना टाइम होगा? वैसे मेरा तो एक महीने के लिए नो का। अरे इतनी लंबी छुट्टी मैं नहीं ले सकता, लेकिन हर रोज 2-3 घंटे निकाल सकता हूँ। वो भी अगर तुम आलिया से बात करो, क्योंकि आलिया ही मेरा शेड्यूल संभालती है। सो यू गॉट अ कन्विंस हर। प्लीज भाई, मुझे इतना स्ट्रिक्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है सबके सामने। इतनी भी बुरी नहीं हूँ वैसे मैं। आपको आपका पर्सनल स्पेस तो दे ही देती हूँ, और वैसे भी तनु मेरी बेस्ट फ्रेंड, अब उसके लिए मैं आपके पास टाइम तो निकाल ही सकती। नाइस, अब वैसे आई थिंक आई विल हैव टू हेड बैक। वो मुझे दवाई लेनी है वरना दादी नाराज हो जाएंगी। श्योर भाई, आप निकलिए, मैं तनु के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। नो प्रॉब्लम, हैव फन गाइस, बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय। आलिया, ओ माय गॉड, अभी मुझसे मिलने आया था। ओ माय गॉड, उसने मुझसे कितनी सारी बातें की, मुझे कितना हंसाया, मेरा कितना ख्याल रखा। I don't remember उसने last time मेरे साथ इतना time कब spend किया था। Oh my god, I'm so happy। वो इतना overreact क्यों कर रहे? I mean, why are you behaving so obvious? बोला था ना, control your emotion। अभी मैं एक महीने के लिए free हूँ। क्या जरूरत थी एकदम हाँ बोलने की? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, भाई को ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो एकदम राजी हो जाती है। So sorry, लेकिन मैं भूल गई। मैं क्या करूँ आलिया, इतने टाइम के बाद मैं अभी से मिली हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। यू नो, मेरा बस चलता तो मैं उसे अभी हग कर लेती। यू आर टू मच तनु, आई मीन हद हो गई। मुझे तो लगता है जितनी बार तुम भाई से मिलोगी उतनी बार मुझे तुम्हारे साथ में आना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब चलो, चल के सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना। लेट्स गो। प्रज्ञा बेटा, उसका फोन आया जिसका इंतजार कर रही है? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं। ऐसा ही होता है, जिस फोन का इंतजार करो ना वो तो आता नहीं, दूसरे ही दूसरे आते रहते। तो फिकर ना कर, आ जाएगा। हाँ दादी। चलो, मैंने नाश्ते के लिए ना आलू पराठे बना दिए और दिन के लिए राजा भी चढ़ा दी। आ जाएगा फोन, जिसके फोन का इंतजार कर रही है उसे थोड़ी ना पता है कि तू टकटकी लगाए फोन को देख रहे कि कब फोन बजेगा और तू जाए। पर बेटा, इतनी जल्दी तैयार होने की क्या जरूरत थी? फोन आ जाता तब तैयार हो जाती। चल अब नाश्ता कर। नहीं माँ, कल मैं देर से तैयार हुई हूँ, वहाँ इंटरव्यू पे भी लेट पहुँची, अच्छा थोड़ी ना लगता। इसे मैं तैयार होगी, फोन आते ही मैं निकल जाऊँ। अच्छा तो सुन, थोड़ा सा नाश्ता कर ले, क्योंकि फोन आएगा ना फिर तू रुकने वाली नहीं है। ठीक है, आप किसका है? उन्हीं का है। अब एड्रेस दे दिया है, कहा है अभी पहुँचना। चलो माँ, मैं निकलती हूँ। प्रज्ञा, मैंने कहा था ना तू भाग जाएगी, पहले नाश्ता तो कर ले बेटा। अरे माँ, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। चलो बाय दादी, बाय माँ, बाय। दीदी ये सुनती ही नहीं है, देखो खाली पेट निकल। जाने दे ना, और छरला तू भी उसके ना पीछे ही पड़ जाती। अरे खा लेगी रास्ते में अगर उसे कुछ भूख लगेगी तो। और आप तो नाश्ता कर लो, वरना पराठे सारे अकेले मैं खाऊंगी। मुझे तो लगा तुम मुझे तो पूछना ही नहीं वाली। नहीं, मैं आपको पूछूंगी, राजमा भी आप ही के लिए बनाया मैंने। आलिया, तुम्हें लगता है ये सही टाइम है फैमिली से मिलवाने का? Oh God, come। जब किसी पे भरोसा करते हैं ना, तब पूरा भरोसा करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, मैंने सब चीजों के बारे में नहीं सोचा? इसने हमारा फायदा है था। और जब मैं फायदे के बारे में सोचती हूँ, तब मैं रिस्क फैक्टर के बारे में भी सोचती हूँ।
And don't you worry. I've thought all about it. और आज नहीं तो कल फैमिली को फेस करना ही है. So better late than never. Come. लेकिन आलिया मैं. लेकिन लेकिन कुछ नहीं तनु. मैंने बोला ना. मैं हूँ ना. Don't worry. आलिया तुम समझ नहीं रही हो. याददाश्त अभी की गई है फैमिली की नहीं. उन सबको तो याद होगा ना कि मैंने अभी के साथ क्या क्या किया था. अब बाकी सबका तो मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारी दादी दादी तो मुझसे आज भी नफरत करती होंगी. मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी. स्वीटहार्ट वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती. मैंने कहा ना मैं हूँ आई विल फेस. और जब उन लोगों ने मुझे माफ कर दिया तो उन्हें तुम्हें भी माफ करना ही पड़ेगा. दे हैव नो ऑप्शन स्वीटहार्ट. रिलैक्स कम डाउन लेट्स गो. ओए रॉबिन मुझे आलू के नहीं गोभी के पराठे लाके दे जल्दी. आप मम्मी जी ये लीजिए. ये क्या दे रही है तू मुझे? हाँ तुझे पता नहीं मैं डाइट पे हूँ. मेरे लिए फ्रूट सैलेड बना के लाओ. वो तो नहीं है. नहीं है मतलब? अरे जा उठ बना के ला मेरे लिए. मम्मी जी आपको फ्रूट सलाद खाना है ना तो मुझे नहीं रॉबिन को बोल. रॉबिन को क्यों बोलूं? तू नहीं जा सकती बनाने के लिए मेरे लिए? एक मिनट मम्मी जी बहुत हो गया. अब हाँ आप जो ये मुझे फालतू के ऑर्डर दिया करती हो ना अब से मैं ये कुछ भी नहीं करने वाली हूँ. अब वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी. मेरा मतलब है अब से मैं वही करूंगी जो आप अपनी सास के लिए करोगे. मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि अगर आप अपनी सास के लिए चाय बनाओगे तो मैं भी अपनी सास के लिए चाय बनाऊंगी. और आप अपनी सास के लिए नाश्ता बनाओगे तो मैं भी आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी. आप अपनी सास के पैर दबाओगे ना तो मैं भी अपनी सास के पैर दबाऊंगी. और अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे ना तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी. दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ तभी तू ये बेसर पैर की बातें कर रही है. मम्मी जी दिमाग तो मेरा अब जाकर सही हुआ है और मैं कोई बेसर पैर की बातें नहीं कर रही हूँ. देखिए अगर आप अपनी सास की सेवा करेंगी ना तो मैं भी आपकी सेवा करूंगी. और ये कौन सी बात हुई कि आप खुद तो अपनी सास की सेवा करोगी नहीं लेकिन अपनी बहू से सेवा करवाती रहोगी. ये कौन से संस्कार हुए भला? अरे सही तो कह रही है. तू ये क्यों भूल जाती है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. बोलो सास भी कभी बहू थी. बीजी ने तो मुझे कभी कुछ करने को कहा ही नहीं. है बीजी सच में? हाँ जैसे मैंने तुझे कहा और तूने कर भी दिया. हाँ तो अब तय रहा. हाँ आप सब लोग इस बात के गवाह हो कि मम्मी जी वो भी कुछ मुझे बोलेंगी ना वो तो मैं करूंगी नहीं. हाँ अगर मम्मी जी अपनी सास की सेवा करेंगी तो मैं भी अपनी मम्मी जी की सेवा करूंगी. मतलब सास की. और वैसे मम्मी जी आप अपनी सास की सेवा करेंगी ना तो आप वो जो क्या फ्रूट सलाद वगैरह मांग रही थी ना उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नो डाइटिंग. मैं भी आया. तुम कहाँ जा रही हो? यही बिल्डिंग है ना यहाँ इंटरव्यू है. हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना. तुम क्यों आ रही हो? आप इंटरव्यू देंगे? मैं इंटरव्यू लेता हूँ देता नहीं हूँ. तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? पहले मुझे जाके चेक करने दो ना कि ऑफिस का माहौल कैसा है स्टाफ कैसा है ऑफिस तुम्हारे लायक है कि नहीं. क्योंकि अगर कल को तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम आकर मुझे ही कंप्लेन करोगी ना. तो मैं पहले से ही चेक कर लेता हूँ. जब तक मैं फोन ना करूँ तुम ऊपर मत आना. मतलब मैं गाड़ी में ही बैठी रही? गाड़ी में बैठो गाड़ी के ऊपर बैठो गाड़ी के नीचे बैठो कहीं भी बैठ जाओ पर ऊपर मत आना. अगर तुम गाड़ी से बाहर निकली तो गाड़ी चोरी हो जाएगी. यू डोंट वांट दैट ना. ऊपर मत आना. मिले मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु से. तनु माय फैमिली तनु जैसे कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं. सो देयर वी गो. आओ तनु ब्रेकफास्ट करते हैं. बाकी की बातें बाद में होंगी. अभी खाना खाना है. बहुत भूख लग रही है. कम ऑन तनु. आलिया रुक. तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको इस घर में लाने के लिए? इसे अभी के अभी बाहर ले जा. बाहर ले जा वरना. वरना क्या? वरना मैं खुद इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी. अरे तो जानती नहीं है इसने क्या कुछ किया हमारे घर में. हमारे घर में रहकर हमारे ही घर को बर्बाद किया. अभी को धोखा दिया. हम सबको धोखा दिया.
धोखा तो मैंने भी आप सबको दिया है दादी, तो क्या आप मुझे भी घर से निकाल देंगे दादी? तुझे तो कभी का मैं घर से बाहर निकाल ही देती, पर तू जानती है ना किस हालात में और कैसे हालात में तू यहाँ रह रही है, क्योंकि अभी तेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानता। तुझे इस घर में रखना मेरी मजबूरी है, पर इसे इस घर में रखना मेरी कोई मजबूरी नहीं। I'm so sorry, दादी, I'm extremely sorry. दादी, मैं अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हंसी से आपकी इंसल्ट हो। मेरी प्यारी दादी कितनी इनोसेंट है। भूल जाती है कि ये 2.5 सालों में जो कुछ हुआ है भाई भूल गए हैं मुझे लेकर, लेकिन जो कुछ तनु ने किया है वो भी भूल गए। तो मेरी प्यारी दादी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता इस वक्त। मैं यहाँ पर तनु को लेकर नहीं आई, भाई यहाँ पर तनु को लेकर आए। सच्ची झूठ बोल रही है तू, जरूर तेरा अपना मकसद है इसको घर में लाने का। दादी, मेरा मकसद तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको तसल्ली मिले ना, तो सिर्फ और सिर्फ के लिए एक काम करिए, भाई आने वाले हैं, फिर उनके सामने ही आप तनु को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दीजिएगा, और फिर जब वो पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो आप सब कुछ भाई को बता देना, प्रज्ञा के साथ शादी से लेकर तनु का वो बच्चे वाला इंसिडेंट और बाकी सब कुछ मेरे बारे में भी बता दीजिएगा। और जब भाई पूछेंगे कि ये सब कब हुआ और कैसे, तो उसका जवाब कौन देगा? और अगर भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार आप होंगी दादी, मैं नहीं। एनीवे, आप सब लोगों को भी आखिरी बार बता देती हूँ, बेटर यही रहेगा कि पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ है आप लोग भी भूल ही जाएं, क्योंकि क्या है ना, आपका गुस्सा, आपकी नफरत भाई की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती। Now if you'll all excuse me, it's time for my breakfast. Tanu, please have a seat. Robin, khana lagao. ये आखिर कर क्या रहे? 3 जगह तो मुझे ले जा चुके हैं और बार बार कहते हैं गाड़ी में बैठो, खुद चले जाते, बाहर आकर कुछ बताते नहीं, चल क्या रहा है इनके दिमाग में? क्या हुआ, तुम गुस्से में हो क्या? नहीं। नाराज हो? नहीं। जरा सा भी नहीं? आप कहीं फिर से मुझे टॉर्चर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अरे अगर टॉर्चर करना होता तो मैं तुम्हें करता ना, अपने आप को नहीं करता। वैसे तुम्हें कुछ भी समझ में आया क्या? कुछ समझ में ही तो नहीं आ रहा, तब से गाड़ी में बैठी हूँ, कहीं जा नहीं रही। मैं ना दिन भर इस गाड़ी में बैठ सकती हूँ, लेकिन आप मुझे बता तो दीजिए कि यही काम है कि गाड़ी में बैठना है। आपने मुझसे कहा था जॉब इंटरव्यू है, लेकिन कहीं लेकर नहीं जा रहे, मैं तो यही बैठी हूँ। मैं कुछ चेक कर रहा था। हाँ, मुझे पता है कि आप जाकर चेक करें कि ऑफिस ठीक है या नहीं, पर मैं यहाँ कुछ चेक कर रहा था। यहाँ क्या चेक कर रहे थे? तुम्हारा पेशेंस लेवल। मेरा पेशेंस लेवल क्यों चेक कर रहे थे? वो एक्चुअली जिस काम के लिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था ना, उस काम में काम से ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। हाँ है ना पेशेंस, काम आपने ढूंढ लिया है? अगर आपने ढूंढा है तो कंपनी, सैलरी वगैरह सब ठीक होगी? नहीं, सब कुछ अच्छा है, बस तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी, एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा थोड़ी ना करूंगी। और अगर काम आपने खुद सेलेक्ट किया तो मैं मना कैसे करूंगी? प्रॉमिस। चलो फिर तुम्हें तुम्हारा नया काम दिखाता हूँ। थैंक गॉड आज ही नौकरी मिल गई, मैंने तो आज की भी उम्मीद छोड़ दी थी। खैर, अब घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाए। लो, एक क्या कम थी जो दूसरी भी आ गई, अब ये दोनों मिलके अभी की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाएंगे। जब मिताली वहां मुझे बोल रही थी तब आपने कुछ बोला ही नहीं। तू समझती नहीं है ना, घर में एक मुसीबत आके बैठी हुई है
और तू अपने सास बहू के पचड़ों में पड़ी हुई है। अब तू बता, मैं तनु को देखूं कि मिताली को? ओ गॉड जी, ये तनु कहीं फिर इस घर में रहने तो नहीं आ गई? गॉड जी, वैसे मेरी इससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी, और अब एक और बंदे का चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ मुझे ही बनाना पड़ेगा। गॉड जी, रिक्वेस्ट है आपसे, इसे ना बस ये नाश्ता वाश्ता करके ना यहाँ से विदा कर दो, और काम नहीं होगा मुझसे। What's up, गांव वालों? Guess what? आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ हवा हवाई